नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग राजस्थान, नर्सिंग ऑफिसर फार्मासिस्ट के जो भर्ती आवेदन की अंतिम तिथि वो बढ़ाई गई है। वजह सामने आई है विभाग की तरफ से, एक कारण बताया गया है जिस वजह से इन लास्ट डेट को एक्सटेंड किया गया है। आपके सामने दो अलग अलग अखबारों की खबरें हैं, एक हमने चूरू दैनिक भास्कर से ली है, एक हमने दैनिक नवज्योति जोधपुर से ली है। दोनों ही खबरों को अगर आप लोग देखें तो इसमें बताया गया है आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को राहत दी गई है। अंतिम तिथि अब 17 जनवरी से बढ़ा करके 31 जनवरी यहाँ पे कर दी गई है। निदेशक जो अराजपत्रित हैं सुरेश नवल, उन्होंने बताया है कि मौजूदा स्थिति में अभी नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट के पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी दस्तावेजों की कमी और अन्य कारणों से वंचित हो रहे हैं। तो दस्तावेजों की कमी, तो बेसिकली बात यह है कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं अर्थात अनुभव प्रमाण पत्र हैं, उनकी वजह से ये चीज़ें उत्पन्न हुई हैं, स्थितियां पैदा हुई हैं। पहली ऐसी भर्ती इतिहास की जिसमें लगभग 80 दिन आवेदन प्रक्रिया चलेगी, 31 जनवरी के बाद भी इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर पोस्ट बढ़ाने का नोटिफिकेशन अगर विभाग लेट से जारी करता है, अगर इस सप्ताह में, कहने का मतलब ये है अगर इस सप्ताह में, इसी सप्ताह में जो पोस्ट बढ़ाई गई हैं, अगर इनका नोटिफिकेशन नहीं आता है तो ये मान के चलिए 31 जनवरी से आगे भी डेट एक्सटेंड की जाएगी। क्योंकि जब भी किसी भर्ती में ऑनलाइन आवेदन चल रहे हों और उस टाइम पे अगर उसमें पदों में बढ़ोतरी की जाती है तो ऑब्वियसली सामान्य रूप से उसकी लास्ट डेट को और एक्सटेंड किया जाता है ताकि जो और अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ पर आवेदन करें। तो कारण सामने आया है। इसके अलावा एक और खबर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, उदयपुर दैनिक भास्कर की, हालांकि इसमें काफ़ी मिस्टेक्स इन्होंने लिखी हैं। नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट के पदों पर आवेदन 31 तक, अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने को CMHO में कतार। हालांकि दोस्तों, अभी लैब टेक्नीशियंस की लास्ट डेट जो है वो 29 जनवरी ही है, ANM की लास्ट डेट है वो 22 जनवरी ही है, लेकिन ANM की डेट भी बढ़ेगी निश्चित तौर पर। एक दो दिन के अंदर स्थितियां साफ हो जाएंगी ANM की लास्ट डेट को बढ़ने को लेकर के, क्योंकि अभी ANM के जो एक्सपीरियंस हैं वो नहीं बने हैं, ठीक है, क्योंकि अभी ये GNM में उलझे हुए हैं। एक CMHO को 200-300-400 अनुभव प्रमाण पत्र बनाने में, उनको वेरीफाई करने में टाइम लग रहा है। टाइम क्यों लगाया जा रहा है, इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि इस बार बहुत सारी जो क्वेरीज हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, उनकी रिक्वायर्ड पड़ रही है, उनको वेरीफाई करना बड़ी मुश्किल हो रहा है। जो पेमेंट डिटेल्स हैं, जो पेमेंट के जो बिल्स हैं, इन चीज़ को लेकर के ये लास्ट डेट बढ़ाई गई है, एक्सपीरियंस नहीं बन पा रहे हैं, तो ये वजह है यहाँ पर। ये दैनिक भास्कर उदयपुर की खबर को जब आप लोग देखेंगे तो इसमें एक चीज़ और क्लियर की गई है, एक साल अनुभव वालों को 10 बोनस अंक, ठीक है, यहाँ पर दिए जाने हैं। एक साल जो काम करेगा उनको, हालांकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की लास्ट डेट अभी नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन ये भी 31 जनवरी तक बढ़ाई जा सकती है, इससे आगे भी बढ़ाई जा सकती है। उदयपुर की हम बात करें तो 275 अनुभव प्रमाण पत्र प्रक्रिया में हैं और 200 जो हैं अभी यहाँ पर विचाराधीन है, अर्थात उनकी फाइल्स लगी हुई हैं, उनको यहाँ पर ये अनुभव प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर बनाया जाएगा। CMHO शंकरलाल बामनिया का कहना है कि अंतिम तिथि को ध्यान में रखते हुए दस्तावेज जांचे जा रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा आवेदकों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयास में हैं। तो प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है, दस्तावेजों की कमी के कारण ये लास्ट डेट बार बार एक्सटेंड की जा रही है। दुआ करें कि ये जो लास्ट डेट जब 31 जनवरी है इसे आगे ना बढ़े, अन्यथा इन भर्तियों को पूरा होने में बड़ी दिक्कतें आएंगी। और इस खबर को देखने के बाद जो उदयपुर की है, इसका मतलब ये है कि अभी भी जो है अनुभव प्रमाण पत्र जो है बनाए जा रहे हैं। आप लोग जिनका अभी तक संविदा कर्मी थे, जिनका एक्सपीरियंस नहीं बना फार्मासिस्ट में और आप लोगों का नर्सिंग ऑफिसर में, तो अपने संबंधित CMHO से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और उनसे अपना एक्सपीरियंस जो लेटर है वो बनवा सकते हैं। 10 अंक एक साल के दिए जाएंगे, 2 साल के 20 होंगे, 3 साल के 30 होंगे और दोस्तों जो यहाँ पर 15, 20 और 30 वाला जो
एक्सपीरियंस अंक दिए जाने की बात की जा रही थी उसमें अभी स्थिति साफ नहीं है। हालांकि हम पहले ही आपका अपना यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज इस स्थिति को पहले ही साफ कर चुका है कि जो 15, 20 और 30 जो बोनस अंक हैं वो आगामी जो संविदा की भर्तियां होंगी उनमें दिए जाने हैं। हालांकि जब तक ऑफिशियल नहीं आए तब तक उसे नहीं माना जाए, लेकिन जो हमने बताया उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें रहने वाली हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही जो एनएम बहनें हैं जो फॉर्म भरना चाह रही हैं तो उनसे मैं आग्रह करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग अपने सीएमएचओ जो हैं उनसे बेहतर तालमेल करिए, उनसे बातचीत करिए और अपना अनुभव जल्द से जल्द आप लोग बनवाने की कोशिश करें। जब तक प्रेशर नहीं करेंगे आप लोग तब तक ये एक्सपीरियंस नहीं बनाएंगे एनएम्स के भी, और फिर आपकी भी लास्ट डेट ऐसे ही एक्सटेंड होती रहेगी, ठीक है ना। तो इस बात को ज़रूर समझें, सीएमएचओ को बताएं कि सर हमारे एक्सपीरियंस जो हैं जल्दी बनाए जाए ताकि हम आवेदन कर सकें। जिन्होंने आवेदन कर दिया है वह आप निस्फिक्र रहें, काफ़ी सारी आपकी समस्याएं भी हैं आवेदन को लेकर के, किसी के नाम में मिस्टेक है, किसी में मिस्टेक है, तो उनके लेकर के लिए मैं एक दो दिन के अंदर जो है आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आऊँगा, तो उसमें आपको सारी चीज़ें हैं और भी साफ कर दी जाएंगी। जाति कितना पुराना चाहिए, विवाह चाहिए कि नहीं, आयकर चाहिए कि नहीं, ऐसे तमाम जो वीडियोज़ हैं चैनल पर मौजूद है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को उन तमाम वीडियोज़ के जो हैं लिंक मिल जाएंगे। इसके अलावा नर्सिंग ऑफिसर फार्मासिस्ट एनएम भर्ती की एक प्लेलिस्ट मिलेगी हमारे चैनल पर, जो मैं आज क्रिएट कर दूंगा थोड़ी देर के अंदर। तो उस प्लेलिस्ट में जाएं तो आपको तमाम नर्सिंग भर्ती जितनी भी ये 5-6 भर्तियाँ इन सब की प्लेलिस्ट यानी कि जो जो वीडियो हमने बनाए हैं इन भर्तियों को लेकर के, वो सारे आपको एक ही स्लॉट में देखने को मिलेंगे। जो आपका मन करे, जो भी आपकी क्वेरीज हो उससे रिलेटेड आप वो वीडियो देख पाएँ। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।